जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो न्यूटन रैप्सन मेथड होता क्या है, जिसमें हम ये पावरफुल मेथड है जिसमें हम कोई भी नॉन लीनियर जो अलजेब्रिक इक्वेशन होते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। और ये क्या होता है हमारा, इससे हमारा वर्क फास्टर होता है। जो प्रैक्टिकल लोडिंग फ्लोइंग इक्वेशन होता है, जो लोड फ्लो इक्वेशन होता है, उसमें हमारे कई सारे नेटवर्क होते हैं, तो इसको जो सॉल्व करने के जो रेट हो जाते हैं वो हमारे इंक्रीज हो जाते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड से। तो न्यूटन रैप्सन मेथड हमारा क्या है, पावरफुल मेथड है नॉन लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ये हमारा वर्क फास्टर हो जाता है क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल मेथड में कई सारे हमारे जो लोड ब्लॉक सॉल्यूशन होते हैं उनको वो इजी वे में कर सकता है। तो हम जानते हैं जैसे कि SI इज इक्वल टू होता है PI प्लस JQI, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख लिए वाई बस के थ्रू। फिर उसके बाद इसको अगर डेल्टा एंगल के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि NR मेथड में आपको रिमेम्बर करना है, NR मेथड में आपको हमेशा वो एंगल ही फॉर्म में लिखना होगा, यहाँ पे आपको रिमेम्बर करना है। तो NR मेथड जो हम यूज किए यहाँ पे, फिर एंगल फॉर्म में उसको लिखे। फिर उसमें हम क्या सेपरेट कर लिए, जो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर है उसको हम क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए कॉस एंगल में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे सोचिए, फिर इसके बाद हम करेंगे जो इसका आयत टर्म वाला होगा, जैसे k इज इक्वल टू 1 से हमारा कहाँ तक है, n तक है, उसमें जो हमारा आयत टर्म वाला होगा उसको हम सेपरेट करेंगे। क्यों अब बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे VI वाला जो है उसको हम एक बार अलग करेंगे, क्योंकि उसमें हम अलग करेंगे क्योंकि जो हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे सिग्मा वाला उसमें हमारा आयत वाला भी रहेगा, तो आयत वाले को हमको नेगलेक्ट नहीं करना है, उसको सेपरेट लिखना है। तो जब आप इसको सेपरेट लिखेंगे तो ये हमारा VII YII cos थीटा आई, क्योंकि हमारा डेल्टा आई माइनस डेल्टा आई कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये आएगा। अब ठीक, अब वैसे हम QI को क्या लिख सकते हैं, जब हमारा इसको आई वाले सेपरेट करेंगे तो इसमें हमारा देखिए माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि साइन माइनस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस साइन डेल्टा होता है। तो वही देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज है। और फिर उसके बाद ये, अब देखिए इसमें क्या होता है, न्यूटन रैप्सन मेथड में हम डेल्टा PI और डेल्टा QI निकालते हैं। डेल्टा PI हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा PI हम निकालते हैं स्पेसिफाइड माइनस कैलकुलेटेड। तो स्पेसिफाइड हमारा क्या है, स्पेसिफाइड हमारा जो वैल्यू दिया रहेगा, और कैलकुलेटेड जो हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे स्पेसिफाइड हमको दिया रहेगा, कुछ वैल्यू दिया रहेगा जो PI का, और कैलकुलेट हम इस इक्वेशन से करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सिमिलर, और ये हमारा आपको रिमेम्बर करना है कि आई इज इक्वल टू जो होगा स्लैक वैल्यू के इक्वल नहीं होगा, किस केस में, केवल डेल्टा पी केस में। और डेल्टा क्यू वाले में हमको रिमेम्बर करना है कि जो स्लैक हमारा जो आई हो वो PV बस का ना हो, क्योंकि PV बस में हमको क्यू का वैल्यू मिलता ही नहीं है, इसलिए हमको ये रिमेम्बर करना है कि आई शुड नॉट इक्वल टू PV बस। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे आप इक्वेशन लिख लिए जैकोबियन मैट्रिक्स वाला इक्वेशन, डेल्टा पी अपन डेल्टा क्यू HNML, डेल्टा डेल्टा एंगल अपॉन डेल्टा मैग्नीट्यूड। अब इसमें हमको क्या करना पड़ता है, हमको ऑफ डायगोनल और डायगोनल एलिमेंट निकालना पड़ता है HNML के थ्रू डिटरमाइन करना पड़ता है। तो पहले हम ऑफ डायगोनल निकालते हैं, ऑफ डायगोनल हम निकालते हैं H का, तो कैसे लिख लेगा बताइए, डेल्टा PI अपॉन डेल्टा K करके HI की अगर निकालना है, तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए डेल्टा PI हमारा क्या था, देखिए डेल्टा PI तो हमारा ये था, अब इसको डिवाइड कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए डेल्टा के रिस्पेक्ट में। अब डेल्टा के रिस्पेक्ट में जब भी आप करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट, तो ये वाले में तो टर्म हमारा जीरो है, फिर ये बच्चा, अब इसमें डेल्टा के हमारा है, तो डेल्टा के कॉस वाला टर्म उसको हमारा साइन में बदल देगा, बस सिंपल। और इसमें क्या होगा, हमारा सेम आइट्रेशन नहीं है, आई इज नॉट इक्वल टू के, तो सिग्मा हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगर हम डायगोनल अब एलिमेंट का बात करें, तो डायगोनल एलिमेंट में हमारा क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट में हमको क्या निकालना है, HII टर्म निकालना है, तो उसमें हम कैसे, डेल्टा PI अपन डेल्टा आई हो जाएगा। तो इसमें जो वैल्यू होगा हमारा सिंपल, यहाँ पे वही चीज सेम चीज रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा हमारा रहेगा साथ में, क्योंकि हमारा सेम आइट्रेशन है, आई शुड बी इक्वल टू आई। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, ये तो हमारा निकल गया आपका, जो हमारा यहाँ पे था डायगोनल एंड ऑफ डायगोनल ऑफ H। अब वैसे ही हमको निकालना है किसका, एच के बाद क्या आता है बताइए, अब एच के बाद हमारा एन आता है, HNML होता है। तो अब एन देखिए, अब उसका जो हमारा था जो डेल्टा PI और अपन डेल्टा आई था, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर उस इक्वेशन को QI का वैल्यू और उसका वैल्यू जब रखेंगे तो हमको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो HII इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस QI माइनस VI का स्क्वायर
वाई वाई, और जो हम वी वी आई का स्क्वायर लिख सकते हैं जो हमारा है, और माइनस वाई आई आई, तो वाई आई आई को हम कर दिए माइनस बी से रिप्रेजेंट। ऑफ डायगोनल वैसे ही हम सिमिलरली एन का भी निकाल सकते हैं। एन का निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, अब डेल्टा वी से डिफ्रेंशिएट करना होगा। एक बार हम वी के से करेंगे, जब वी के से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आप बताइए। देखिए वी के से आप जब इसमें करेंगे तो ये वाला टर्म आपका तो जीरो, और वी के से बचा तो ये, तो बचा के बचेगा क्या हमारा वी आई वाई के, यहाँ पे जो वी आई और ये वाई के आएगा, वाई आई के कॉस हमारा ये टर्म, फिर वैसे हमारा डेल्टा बी पी आई अपन बी आई निकालेंगे तो सिमिलरली हमारा ये भी ऐसे ही निकलेगा। तो यही देखिए हमको सिमिलरली वैसे ही प्रोसेस एम मैट्रिक्स एलिमेंट एम का निकालना है, तो हमको क्यू आई को डिफ्रेंशिएट करना होगा एंगल डेल्टा से, फिर वैसे हमको अगर एल का निकालना है तो डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखिए एम का हमारे निकालना है तो डेल्टा क्यू आई अपन डेल्टा के, तो इसमें क्या होगा हमारा क्या होगा, इसमें डिफ्रेंशिएट किसमें होगा, एंगल में होगा। तो डेल्टा क्यू आई का वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, क्योंकि अब इसका डेल्टा निकालेंगे क्यू आई आई हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है, जो हमको करना है डेल्टा के, तो हमारा ये तो जीरो हो जाएगा पार्ट, बचेगा क्या इसमें कॉस के जगह हमारा साइन हो जाएगा, वो भी क्यों निगेटिव में होगा आप बोलेंगे सर, क्योंकि हमको डिफ्रेंशिएट करना है किसे डेल्टा के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा के वाला तो वन माइनस वन आ जाएगा, माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा क्या हमारा हो जाएगा, इसमें हमारा जो साइन वाला कंपोनेंट है यहाँ पे हमारा वो हमारा कॉस में आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या है डेल्टा क्यू आई अपन डेल्टा आई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये भी इजी है, सेम मेथड करना है, बस माइनस यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि डेल्टा आई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर ऑफ डायगोनल एल का निकाल सकते हैं सिमिलरली प्रोसेस से। तो ये रहा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो था हमारा इसका एनआर मेथड का। थैंक यू, जय हिंद।